वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दौरा तो शुरू हो चुका है, टेस्ट मैचेस शुरू होने वाले, और वहीं पे अगर बात करें ओडीआई की तो ओडीआई के टीम प्लेयर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हमें ये तो पता है कि कप्तानी कौन करेगा, कप्तानी विराट कोहली से हटकर रोहित शर्मा पर आ गई है, लेकिन वहीं टीम प्लेयर्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इस बीच हमारे पास एक बहुत बड़ी अपडेट आई है एक ऐसे प्लेयर को लेकर कि क्या उस प्लेयर को ले सकती है टीम इंडिया, क्योंकि इस प्लेयर ने धमाल मचा दिया है, घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा दिया है, जिसे सोचने पर अब उनका परफॉर्मेंस देखकर बीसीसीआई जरूर सोच रही होगी ओडीआई के टीम में उनको दाखिल करने के बारे में। मेरे साथ है प्रियांशी। प्रियांशी, आप प्लीज बताइए कि आखिर उस प्लेयर ने किस कदर मजबूर किया होगा बीसीसीआई को। पहले तो मैं बता दूं स्मृति की जो आपने बात कही कि क्या धमाकेदार प्रदर्शन दी है उन्होंने, तो बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो चलिए, जिस तरीके से उन्होंने बीसीसीआई को चौंका दिया है कि ये शानदार प्रदर्शन देकर, तो चलिए बता देते हैं उनका नाम। मैं चाहती हूँ स्मृति आप खुद बताएं ये नाम। प्रियांशी देखिए, व्यूअर्स को बताते हैं, देखिए वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ का घरेलू क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस रहा है, शायद चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या विजय हजारे ट्रॉफी हो, उन्होंने धमाल मचा दिया है। साथ ही अगर आईपीएल 2021 की भी बात करते हैं हम प्रियांशी, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही धमाकेदार रहा है। प्रियांशी आप क्या बोलना चाहेंगे उनके परफॉर्मेंस को लेकर? पहले तो मैं बता दूं कि पिछला जो आईपीएल था उसमें वो ऑरेंज कैप होल्डर रह चुके हैं, तो सबसे अधिक रन बनाने वाले। तो अगर प्रदर्शन की बात करें विजय हजारी में, तो उन्होंने 603 रन बनाए हैं और 112.92 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 51 चौके और 19 छक्के मारे हैं। देखिए इसी के साथ अगर हम पूरे रिकॉर्ड्स की बात करें, आपको एक बार हम विस्तार में पूरे रिकॉर्ड्स बताते हैं। देखिए उन्होंने आईपीएल 2021 में 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था। इसके साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 5 मैचों में 259 रन और अब विजय हजारे ट्रॉफी के 4 मैचों में 435 रन बनाए हैं उन्होंने। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 3 शतक मारा, उन्होंने हैट्रिक कंप्लीट कर लिया अपना। इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ प्रियांशी क्यों नहीं बीसीसीआई क्यों ना कंफ्यूज हो, बिल्कुल 4 शतक मार दिया अभी तक उन्होंने, बिल्कुल। और आकाश चोपड़ा का जो बयान है, हाँ। उन्होंने बोला है कि इम्पॉसिबल है कि बीसीसीआई इस बारे में ना सोचे कि ऋतुराज को साउथ अफ्रीका के वनडे सीरीज में उन्हें ना लिया जाएगी, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल यही पे पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और अभी जो कमेंटेटर हैं उन्होंने भी अपना बयान दे दिया है। प्रियांशी ये बोला है उन्होंने कि ऋतुराज गायकवाड़ का नाम सामने ना आए ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि हम जानते हैं कि ओपनर के तौर पर केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि टीम मैनेजमेंट ऋतुराज गायकवाड़ के तरफ ना जाए, उनके तरफ एक बार उनके बारे में बात ना हो टीम के बीच। तो ये थी अभी की अपडेटेड फैक्ट। ऐसे ही कुछ अपडेटेड न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें।